दोस्तों, क्या आपके बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में है और आप उसका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है और आप उसका आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर देना होता है, तभी आपका आधार कार्ड बनेगा। या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट आप बनवाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ के रूप में देना पड़ता है। सो दोस्तों, बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका किसी कारणों से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, वो बाद में बनवाते हैं तो उसमें बहुत सी परेशानी आती हैं जिसकी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के बच्चों का आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तो वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है आधार कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे, नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स करके, इस पर क्लिक कर देना है। इस एप्लीकेशन का, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। इन पहले दो पेजों को आपको कुछ नहीं करना है। अब तीसरे नंबर पर आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। अब इस फॉर्म को आपको प्रिंट करा लेना है अपने किसी भी नज़दीकी जन सेवा केंद्र से, साइबर कैफे से, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस फॉर्म को प्रिंट करा लेना है, उसके बाद आपको इस फॉर्म को फिल करना है। सो दोस्तों, फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक रेसिडेंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको रेसिडेंट पर टिक लगा देना है। उसके बाद न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जब आप अपना आधार कार्ड बनवा रहे होते हैं तो आधार नंबर तो होता नहीं है, तो आपको पहले ऑप्शन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फुल नेम लिखा है, यहाँ पर अपने बच्चे का पूरा नाम डाल देना है, जो भी आपने अपने बच्चे का नाम रखा हो। केयर ऑफ में अपने उसके फादर्स का नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर डाल देना है, पूरा एड्रेस भरा जाएगा, जैसे हाउस नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपका रोड कौन सा है, स्ट्रीट कौन सा है, ये आपको डाल देना है। अगर आपके घर के नज़दीकी कोई लैंडमार्क है, यानी कोई ऐसी मशहूर जगह है, जैसे कोई दुकान हो गई मशहूर, या फिर कोई कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, अगर है तो आप लैंडमार्क डाल दीजिए, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एरिया डालना है, अपनी लोकेलिटी डालनी है, यानी आपका एरिया कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है। फिर यहाँ पर आपको अपना विलेज, गांव या फिर शहर जो भी हो वो डाल देना है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया का मतलब डिस्ट्रिक्ट डालनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेट डालनी है कि आपकी स्टेट कौन सी है। फिर यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। अब दोस्तों, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ रेसिडेंट में आपके बच्चे अगर 5 साल का है तो वो सिग्नेचर कर लेगा। अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो आप अपने बच्चे के यहाँ पर थंब लगवा दीजिए और यहाँ पर बच्चे की एक फ़ोटो लगेगी। और अगर आपका बच्चा सिग्नेचर कर सकता है तो यहाँ पर सिग्नेचर करवा दीजिए, और नहीं कर सकता तो यहाँ पर उसका थंब लगवा दीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपने बच्चे की एक फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर चिपकाने के बाद आपको नीचे इतना फॉर्म दिखेगा। अब आपको इसको फिल नहीं करना है। अब दोस्तों, इतना आपने फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म को लेकर अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आपको अपने एरिया के सभासद के पास चला जाना है, या फिर अगर आपके यहाँ पार्षद बनते हैं तो वहाँ पर चला जाना है। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको अपने गांव के पंचायत के पास यानी मुखिया के पास जाना है और इस फॉर्म को सर्टिफाई करानी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, नेम ऑफ सर्टिफायर में यहाँ पर वहाँ पर जो जिसके पास आप मतलब सर्टिफाई कराने ले जाएंगे, ग्राम प्रधान के पास या फिर सभासद के पास, तो वो यहाँ पर अपना नेम डालेगा। उसके बाद दोस्तों, वो
क्या है, जैसे हेड ऑफ मुखिया है तो वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करेगा, या सभासद है तो वो यहाँ पर डिटेल्स फिल करेगा अपनी, अपने ऑफिस का यहाँ पर एड्रेस डाल देगा और यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसके टिक होंगे, जैसे अगर आप विलेज पंचायत के पास ले गए हैं यानी मुखिया के पास, ग्राम प्रधान के पास, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको टिक लगाना है, या फिर आप शहर के रहने वाले हैं और आप अपने एरिया के आप सभासद या पार्षद के पास ले गए हैं तो आपको MP MLA MLC पर टिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी ये बॉक्स हैं दोस्तों, इन सब पर आपको टिक कर देना है। नो ओवर राइटिंग लिखा है, इशू डेट इज फील्ड, जितने भी ये बॉक्स दिख रहे हैं सबको आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी मतलब जिससे भी आप सर्टिफाई करा रहे हैं उसकी यहाँ पर मोहर लगेगी और उसके सिग्नेचर होंगे, और एक मोहर और सिग्नेचर आपके फ़ोटो पे होगा। अब दोस्तों अगर आपको मैंने बता दिया ये कैसे फॉर्म फिल करना है, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया है तो आप इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है, एक स्कैन करके यहाँ पर रखा गया है फॉर्म, इसको देख के आप फिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप नया बना रहे हैं तो यहाँ पर न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक टिक लगाना होगा, यहाँ पर नेम केयर ऑफ में अपना पिता का नाम डालना है, यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर होंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों फ़ोटो लगेगा जिस पर ऑफिस का स्टाम्प लगेगा यानी जिससे आप सर्टिफाई कराएंगे और उसके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर ऐसे सर्टिफायर की डिटेल्स भरी जाएगी, आप इस फॉर्म के ज़रिए देख सकते हैं। अब दोस्तों आपने पहले स्टेप में क्या किया, इस फॉर्म को आपने डाउनलोड किया, उसके बाद प्रिंट कराया, उसके बाद उसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद दोस्तों आपने जो डेट ऊपर डाली थी उसके 3 महीने तक फॉर्म वैलिड रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म को लेकर और अपने बच्ची को लेकर अपने घर के नज़दीकी आधार सेंटर जाना है, चाहे वो किसी भी बैंक में हो या फिर अलग से आधार सेंटर हो, वहाँ पर आपको जाना है और इस फॉर्म को उसे दिखाना है। वो आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को थोड़ा सा फिल करना, उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट के रूप में इस फॉर्म को उसको दे देना है, वो इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट प्रूफ में लगा देगा और आपके बच्चे का आधार कार्ड 10 से 15 दिन के अंदर बन जाएगा। वो आपको एक स्लिप देगा, स्लिप से आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप, अगर आपके पास आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ में नहीं है तो आप इस तरीके से बिना डॉक्यूमेंट के अपना आधार कार्ड या अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो, मैंने पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।